दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने मार्वल के एवेंजर्स मूवी नहीं देखा होगा। और यदि ऐसा कोई है जिसने मार्वल का अभी तक एवेंजर्स मूवी नहीं देखा है तो आप सब उसे जबरदस्ती दिखाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसे बहुत मजा आएगा। अब देखिए ना, इधर राहुल गांधी जी है जो हमारे पूरे देशवासियों को मजा दिलाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, और एक आप लोग हैं कि मजा ही नहीं ले रहे। लोगो बनाना काफ़ी आसान है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो आइए हम देखते हैं कि कितना ईजी है, कितनी जल्दी हम इसको बना सकते हैं। हमें ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको पेज लेआउट पर जानी है। पेज लेआउट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन पर जाना है। ओरिएंटेशन पर जाने के बाद उसको लैंडस्केप मोड पर कर देना है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, फिर से इंसर्ट टैब पर जाना है। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद आपको सेप पर जाना है। सेप में आपको एक सेप मिलेगा डोनट के नाम से, डोनट वाले सेप को सेलेक्ट कीजिए और आप यहाँ पे इसे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ड्रॉ करने वाला क्या कीजिए, इसके पॉइंट्स को और एटिंग पॉइंट को पकड़ो, छोटा कर लीजिए, थोड़ा सा पतला कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक सही रहेगा। ठीक है, सेप ज़्यादा बड़ा है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, उसका फॉर्मेट जाना, फॉर्मेट जाने के बाद दोनों पॉइंट को सेम रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं 3.5 और सॉरी 3.5 और आप विथ को भी कीजिए 3.5। ठीक है, एटम पॉइंट को सही कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से इंसर्ट टैब पे जाना है, शेप पे जानी है और इस बार रेक्टेंगल शेप लेना है आपको। ठीक है, आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए जिसकी विथ डोनट शेप के विथ से मैच होता है। ठीक है, फिर आप इसे एज के यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए। आप इसे ये देखिए, मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर से आएंगे होम टाइम पे आएंगे हम, उसके बाद इसे कॉपी करेंगे यहाँ से और फिर यहाँ से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल करते कर सकते हैं, कंट्रोल से इसे कॉपी, कंट्रोल से आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको फॉर्मेट पर क्लिक करना है आपको, उसके बाद रोटेशन पर जाना है। रोटेट पर जाने के बाद इसको करना है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद इसके एडिटिंग पॉइंट को आप यूँ मैच कराइए। ठीक है, और इसके हाइट को थोड़ा सा छोटा कीजिए। ठीक है, अब फिर से क्या करना है, इसे कॉपी करना है और पेस्ट करना है। तो होम टैब पर जाइए, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, रोटेट कर लीजिए इसको। ठीक है, हमने रोटेट कर लिया, छोटा करके इसको यहाँ पे सेट कर लीजिए। ठीक है, अब कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है, देन आप इस ए को पूरी तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट जाने के बाद आपको ग्रुप ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको ग्रुप पे क्लिक कर देना है। अब ये क्या है, ग्रुप हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब इस पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पर जाइए, यहाँ पर मिल रहा है सेव फिल। आप यहाँ से कलर कर सकते हैं, पर मुझे इसमें कलर नहीं करना है, मुझे इसमें इमेज डालना है। ठीक है, जो हमने डाउनलोड करके ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। तो सेव फिल पर जाएंगे, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पिक्चर का, पिक्चर पर क्लिक कीजिए। ठीक है, मैंने डाउनलोड पर अपना डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो हम वहाँ पर आते हैं। ये रही मेरी पिक्चर, मैंने क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। ये देखिए इंसर्ट हो चुका है। फिर हमें सर्कल में भी करानी है, फिर से जाएंगे सर्कल पर क्लिक करें, फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर सेव फील्ड, सेव फील्ड पर जाने के बाद पिक्चर, पिक्चर के बाद आप डाउनलोड पर जाइए। ठीक है, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल गया और पिक्चर सेलेक्ट करके मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, तो देखिए किस तरह से अच्छे से हमारा लोगो बन गया है। अब नीचे लिखना है मुझे एवेंजर, उसके लिए क्या करना है, इंसर्ट टैब पर जाना है। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद आपको वर्ड आर्ट पर जाना है। वर्ड आर्ट में आप इस स्टाइल को ले लीजिए। ठीक है, चाहे तो दूसरा स्टाइल ले सकते, पर मैं यही स्टाइल लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा एवेंजर्स। ठीक है, चलिए मैंने एवेंजर्स लिख लिया है, अब मैं इसे ओके करूंगा, यह मेरा यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, फॉर्मेट पर जाना है। फॉर्मेट जाने के बाद टेक्स्ट ऑप्शन मिला है, इस पर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको कर देना है इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, अब हम मैं इसे यहाँ लाता हूँ। ठीक है, इस एडिटिंग पॉइंट से पकड़ के आप इसे माउस से ऐसे खींचेगा तो इसकी साइज बढ़ जाएगा, नहीं तो आप फॉर्मेट पर जाके आप यहाँ से साइज में से इसकी हाइट और विथ को आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखिए हाइट विथ को अपने हिसाब से भी यहाँ से आप इसे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको यूँ सेट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको इसके लिए फॉर्मेट पर क्लिक करना है, फिर से सेव फील्ड पर जाना है। इसमें इस बार फिर से कोई कलर नहीं करना है, मुझे इसमें पिक्चर डालना है, तो पिक्चर पर जाऊँगा मैं। ठीक है, डाउनलोड में मेरा पिक्चर है, मैं पिक्चर पर आता हूँ और ये रही मेरी पिक्चर एवेंजर्स की, और मैंने क्लिक कर लिया। अभी देखिए ये पिक्चर हमारा आ चुका है। अब इसकी आउटर लाइन को थोड़ी सी व्हाइट ने वो करनी है, व्हाइट
ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, शेप आउटर लाइन पानी है और यहाँ से आपको इस कलर को व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है। अभी दिखेगा ना क्योंकि बैकग्राउंड भी क्या है हमारा व्हाइट है, तो बैकग्राउंड हमें चेंज करना है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, पेज लेआउट पानी है, यहाँ पे आपका पेज कलर दिखेगा, आप यहाँ से फिल इफेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, आप यहाँ से टू कलर को सिलेक्ट कीजिए, आप यहाँ पे एक कलर लगाइए और आप एक यहाँ पे, ठीक है, दो कलर दिया हमने उसके बाद ओके किया और ये देखिए, ठीक है। यदि इसके एवेंजर्स के आउटर लाइन के कलर और भी चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। क्या करना है, फॉर्मेट पर क्लिक करना है आपको, शेप आउटर लाइन पर जानी है, इसके विड्थ को और बढ़ाइए या कलर चेंज करना है, ये देखिए, देख रहे हैं परफेक्ट बन चुका है। इसके आउटर लाइन यदि गैप करना है, रिमूव करनी है, तो फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए, आउटर लाइन पर जाइए, इसको कीजिए नो आउटर लाइन और यहाँ से भी इसको नो आउटर लाइन। अब ये देखिए आउटर लाइन रिमूव और एवेंजर का लोगो बन के रेडी हो गया।